आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। प्रदेश में कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में 10 जुलाई रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया है। इस पर शहर के लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में 10 जुलाई रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया है। इस पर भाजपा महानगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत भोजवानी ने मुख्यमंत्री से इस आदेश को जनहित में जारी बताया है। ये सही है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और उसी के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है 3 दिन का लॉकडाउन, हालांकि व्यापारी परेशान पहले से परेशान है और बहुत काम रुका हुआ है। अब किस परिस्थितियों में लगा है वो भी ज़रूरी है, लेकिन एक इकोनॉमिक भी व्यवस्था भंग हो रही है, लेकिन प्रशासन की और शासन की जो मंशा होगी मैं समझता हूँ वो उसी के अनुरूप जो लॉकडाउन लगाया है तो प्रशासन और शासन के आदेश का हम पालन करेंगे। 10 जुलाई रात्रि 10 बजे से प्रदेश में लगने जा रहे लॉकडाउन 3 को लेकर शागंज में रेडीमेड कपड़ा कारोबारी जयप्रकाश धर्माणी ने बताया, कोरोना वायरस के चलते वैसे भी मार्केट में ग्राहक गायब हैं। अगर लॉकडाउन 3 लंबा चलता है तो इसका व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मेरा इसमें यही कहना है कि अब 1 जुलाई के बाद बाजारों में भीड़ भाड़ वैसे देखा जाए तो कम हो गई है। जो पीछे जून में कुछ शादियों का सालक था वो भी अब ख़त्म हो गया है, पर मेरे को इसमें शासन की मंशा ये लगती है कि सेकंड सैटरडे और संडे है, सेकंड सैटरडे को पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टी रहती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी छुट्टी रहती है। इस वजह से करा गया है और मैं समझूंगा कि इसको आगे बढ़ाया नहीं जाएगा जिससे कि व्यापारियों को राहत रहेगी। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस व्यापक रूप धारण करता जा रहा है। बरसात के मौसम में यह घातक रूप इख्तियार कर सकता है। इसको देखते हुए सीएम का यह कदम ठीक है। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।